हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मो फ्यूजन और मैं हूँ राजश्री। आज की वीडियो में आपका वेलकम है क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। मुझे आई होप आपका जो जनवरी का जो मंथ है वो अच्छा निकल रहा होगा और आपके जो आने वाले जो सारे मंथ्स हैं वो बहुत ही अच्छे निकले। तो हैप्पी न्यू ईयर। तो उसके बाद आज की वीडियो में मैं कोई भी रिव्यू नहीं करने वाली हूँ किसी भी प्रोडक्ट का। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी क्योंकि काफ़ी देर से जो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी उसके पीछे क्या रीज़न था। तो मुझे मेल भी आई काफ़ी ज़्यादा और मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम टू मंथ्स हो गए हैं, एक्चुअली टू मंथ ही हो गए हुए हैं, अभी कंप्लीट होने वाले होंगे, तो आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, क्या हो गया है आपको, आपकी हेल्थ ठीक है, आप कोविड पॉजिटिव तो नहीं हो कहीं, जो आपके एग्जाम तो नहीं है, क्या है मैम रीज़न, आप क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो क्या इसके पीछे रीज़न था। तो एक कमेंट या एक मुझे मेल ये भी आई थी कि मैम आप वीडियोस अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो, आपकी वीडियोस नहीं चल रही, क्या आप क्या अब वीडियोस नहीं डालोगे। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको देने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता हो, तो अगर अच्छा लगता होगा तभी तो आप ये वाली वीडियो मेरी देख रहे होंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों वीडियोस जो है अपलोड नहीं कर रही थी, इसके पीछे क्या रीज़न था। मैक्सिमम टू मंथ हो गए हैं कि मैंने वीडियो कोई भी अपलोड नहीं की थी। तो कुछ सबके ये भी मन में ये भी क्वेश्चन होंगे कि पता नहीं इसकी वीडियो नहीं चल रही होगी तभी नहीं डाल रही ये वीडियोस, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेन रीज़न मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको बता देती हूँ कि मैं कोविड पॉजिटिव नहीं थी, मुझे कोरोना नहीं हुआ था। एक्चुअली मैं बात करूँ तो दिसंबर की बात है जब से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। जो मेरी लास्ट वीडियो है उसके बाद क्या हुआ था कि मुझे फीवर वगैरह आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे लगा कि शायद मुझे डेंगू हो जहाँ तो मुझे टाइफाइड हो सकता है। तो मैंने टेस्ट वगैरह करवाया तो उसमें मुझे टाइफाइड आया और मुझे फीवर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। 10 to 15 days हो गए थे। तो उसके बीच में मैंने डॉक्टर को दिखाया, जब मुझे पता चला कि मेरे को टाइफाइड हुआ है तो मैंने अपनी जो मेडिसिन वगैरह है, जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो मैंने अपना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे 1 month लग गया उस टाइफाइड से निकलने के लिए, क्योंकि जिसको भी हुआ होगा टाइफाइड तो वो समझ सकते कि कितनी वीकनेस होती है उसमें और काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है टाइफाइड में। इसलिए आपको मेरे फेस को देख के भी पता चल रहा होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई हूँ। तो इसीलिए 1 month तो मेरे को वो लग गया टाइफाइड से रिकवरी होने में। उसके बाद कुछ का क्वेश्चन ये था कि मैम आपके एग्जाम है इसलिए आप अपलोड नहीं कर रही हो वीडियोस, तो जहाँ पर कुछ कंटेंट नहीं है। एक्चुअली मेरे पास कंटेंट तो बहुत है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्मेटिक मेरे पास है जिसके रिव्यूज मैं आपका शेयर करना चाहती हूँ। तो वही है कि अगर हेल्थ ठीक नहीं होगी आपकी तो आपके फेस पे भी वो लगेगा कि यार ये इंटरेस्टेड नहीं है डालने के लिए वीडियोज या ऐसे सिर्फ टाइम पास कर रही है। तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए। तो उस ब्रेक के बीच में आपने मेरी बाकी सारी जो वीडियोस हैं वो आपने देखी और मुझे काफ़ी ज़्यादा आपने सपोर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा प्यार किया बाकी वीडियोस में। मेरी काफ़ी अच्छी उसमें व्यूज़ हैं, काफ़ी अच्छे आपने, मतलब कि ऐसा नहीं कि मैंने वीडियोस नहीं डाली थी तो आपने देखना बंद कर दी। मुझे जो कमेंट्स आते थे बीच में मैं उनका रिप्लाई उसी टाइम पर करती थी और उसी टाइम पर मैं आपका रिप्लाई करूँगी। अगर मुझे कोई भी अगर आप क्वेश्चन पुट करते हो कमेंट सेक्शन में, कमेंट करते हो कि मैम ये चीज़ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, मैं उसी टाइम ही आपको कमेंट करके बता देती हूँ। तो आपने ये नोटिस किया भी होगा, जिसने भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है ना तो उसको पता होगा कि मैं क्या मतलब उस टाइम पे रिप्लाई कर देती हूँ जो भी आपकी क्वेरी होती है, ठीक है। तो ये टाइम था बीच में। और उसके बाद जनवरी का मंथ था तो उसके बीच में भी मुझे कोल्ड वगैरह हो गया था, क्योंकि जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो आपको सब कुछ ही एक साथ हो जाता है। तो मेरे को सब कुछ एक साथ ही हो गया था। जैसे ही मैं रिकवरी हुई मेरे टाइफाइड से तो जो मुझे वायरल हो गया, कोल्ड वगैरह हो गया था, तो उसमें टाइम लग गया और मेरा फेस भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था। तो उस चीज़ को मुझे थोड़ी रिकवरी करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था और मैं कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं थी, मैं घर पे ही थी, तो इसीलिए उस चीज़ से रिकवरी होने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था।
इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी नहीं डाली। तो फिर उसके बाद मैं सोचा कि अब मैं वीडियो जो है वो रेगुलरली डालूंगी, अपलोड करूंगी, जैसे आपको मेरी पहले वीडियोस मिलती थी 3-4 days के बाद मेरी वीडियो आती थी, तो वैसे ही अब मैं 3-4 days के बाद वीडियो डालूंगी, अपलोड करूंगी। जो भी आपको किसी भी चीज़ का रिव्यू चाहिए हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि मैम इस चीज़ का रिव्यू चाहिए, जहाँ तो ये जो चीज़ है, जो भी कोई प्रोडक्ट है, अगर आपने इसको यूज़ किया है कि नहीं किया, अगर आपने, अब मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली दूंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कोई भी रिव्यू नहीं देना चाहती थी, बस आपके साथ सिर्फ यही शेयर करना चाहती थी कि मैं इतने टाइम से क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ वीडियोस, तो बस यही रीज़न था। इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं था कि मेरी वीडियोस चल नहीं रही है तो तभी मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी चल रही है, मैं 2 months से नहीं डाल रही थी वीडियोस, तो इसके बावजूद भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली है। तो अब आगे आपको इस तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, रिव्यूज़, जेन्युइन रिव्यूज़ जो है वो आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो ये मेरे चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैक्सिमम ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को, तो अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं रेगुलर आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। अब कोई भी ऐसा नहीं होगा कि वीडियोस आपको बीच में नहीं मिलेंगी आपको। अब मैं ट्राई करूंगी कि आपको रेगुलरली 2-3 days के बाद आपको मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, आप मेरी वीडियोज को देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आप सब भी ठीक होंगे, और अभी कोविड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है तो प्लीज़ घर पर रहें और वीडियोज को देखते रहें, यूट्यूब को इंजॉय करते रहें। तो आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो भी पसंद आए, आपको लगे कि जो भी मेरे रीजन थे जिसके पीछे मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर रही थी, तो वो से ही आपको लगे, आपके जो क्वेश्चन जो आपके मन में है वो आपको क्लियर हो गए होंगे आई होप, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।